कामतगर गणेश नगर में इतिहास गढ़ा आज, तेलुगु लोगों का सर आज गर्व से ऊंचा हुआ, कभी नहीं हुआ वह काम राजू गाजेंगी ने कर दिखाया। कामतगर गणेश नगर स्कूल नंबर 41 के ठीक सामने भिवंडी भारतीय जनता पार्टी के महासचिव राजू गाजेंगी नए जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन केंद्रीय पंचायती राज्य राज्य मंत्री कपिल पाटिल, भिवंडी पश्चिम के भाजपा विधायक महेश चौगले, भिवंडी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष संतोष शेट्टी, सुमित पाटिल, अखिल पद्मश्री समाज भिवंडी के अध्यक्ष वेमल नरसिंह जी के शुभ हाथों से किए हैं। इस भिवंडी भारतीय जनता पार्टी के महासचिव राजू गाजेंगी के नए जनसंपर्क कार्यालय से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी वर्ग के लोगों को और गरजू गरीबों के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का योजना लेकर आए। उस योजना का काम और इतर सभी योजनाओं का काम इसी कार्यालय से होगा, ऐसा केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने अपने भाषण में जोर देकर कहा है। और कहा है कि आने वाले भिवंडी मनपा के चुनाव की लड़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक जीत के आएंगे और भिवंडी मनपा का महापौर भारतीय जनता पार्टी का ही होगा, ऐसा आशा व्यक्त किए। इस कार्यक्रम में राजू गाजेंगी व उनका धर्मपत्नी ने केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री कपिल पाटिल जी को भव्य सत्कार किए। राजू गाजेंगी के बड़े भाई कृष्णा गाजेंगी व छोटे भाई येडुकोंडल गाजेंगी ने विधायक महेश चौगले, वेमला नरसैया, नगर सेवक श्याम अग्रवाल, सुमित पाटिल व आदि मान्यवरों का सत्कार किए। उसी तरह कार्यक्रम में विधायक महेश चौगले, अखिल पद्मश्री समाज भिवंडी के अध्यक्ष वेमला नरसैया व आदि मान्यवरों ने मंच पर अपने अपने ओर से मनोनीत भाषण दिए हैं। भिवंडी भारतीय जनता पार्टी के महासचिव राजू गाजेंगी के नए जनसंपर्क कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में स्थानीय जनताओं का सैलाब दिखाई दी। कार्यक्रम के लिए समाज सेवक व भाजपा के राजनीतिक लोग बड़े पैमाने में शामिल हुए हैं। आज की ये जो सभा है तो राजू राजैया गाजेंगी ये अच्छा कार्यकर्ता है, ये हमारा पद्मशाली समाज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इन्होंने कई संस्थाओं में काम करता है और सभी को गरीबों को दान धर्म करने में भी ये हमेशा आगे रहता है। ये आने वाला इवन भी कॉर्पोरेशन इलेक्शन में इन्होंने अपना भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ये उम्मीदवार रहेंगे ये कामतगढ़ में और इनको अपन लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से जिताने मैं आप लोगों के विनती करता हूँ। ऐसे ही माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायती राज्य मंत्री कपिल जी ने हमारा तेलुगु समाज के लिए इस बार में कम से कम 5 से 6 सीट भाजपा की तरफ से दिलाने के लिए मैं उम्मीद करता हूँ और वो जरूर दिलाएंगे ये मैं आशा करता हूँ। इसलिए सभी लोगों के लिए मैं आप लोगों को विनती करता हूँ, हमारा राजू गाजेंगी को अच्छी मेजोरिटी से आने वाला कॉर्पोरेशन इलेक्शन में जिताने के लिए आप लोगों को विनती करता हूँ। जय हिंद जय महाराष्ट्र। तो ऐसा एक नेतृत्व आज आपके बीच आया है, यहाँ भी उनको कार्य करने का, लोगों की सेवा करने का उनको मौका चाहिए और यहाँ भी अभी देख रहा हूँ इतने दिनों से आए तो बहुत सारे कार्यक्रम रखे हैं, उन्होंने लोगों की सेवा भी कर रहे हैं और सही में यहाँ तो कार्य होता है लेकिन थोड़ा और अच्छा होएगा या और लोग करते रहेंगे तो इसके लिए राजू गाजेंगी जी का कार्य बहुत अच्छा है और इसके लिए आज हम सब मिल के एक आपके एरिया में जो नरेंद्र मोदी जी ने जो योजना लाई है आज बहुत सारी योजना है, क्योंकि पहले कोई योजना आती थी जाती थी किसको मालूम नहीं पड़ता था लेकिन आज सबके अकाउंट में पैसा जाता है और वो योजना के लिए सबके पास पेपर नहीं रहते, कोई फॉर्म भरा नहीं रहता है तो इसके लिए ये सब चीज आम जनता के पास पहुँचनी चाहिए, इसके लिए राजू गाजेंगी काम कर रहे हैं और मैं बोलता हूँ ऐसे ही काम करते रहे और उनका जो सपना है वो जरूर पूरा होगा। धन्यवाद। जय हिंद जय महाराष्ट्र। सबसे पहले तो राजू गाजेंगी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ ऐसे मैं जाहिर करता हूँ और हम सभी के ओर से राजू गाजेंगी को
इस कार्यालय के माध्यम से यहाँ पे रहने वाले जनता की सेवा उनके हाथों से हो ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। कृष्णा गाजंगी हो, राजू गाजंगी हो, कोंडा गाजंगी हो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश और महेश चौगुली और संतोष शेट्टी सुमित पाटिल ये सब मिलके इतना अच्छा काम भिवंडी में कर रहे हैं और ये तीनों भाई इतने संस्कारक्षम है। संस्कार किस तरह के होंगे, किस तरह से सामने वाले को रिस्पेक्ट करना चाहिए और भाई लोगों में आपस में किस तरह से प्यार होना चाहिए, तीनों से लोगों को सीखना चाहिए। मैं यहाँ पे आया, ये हमारा साथी ने जो यहाँ पे अनाउंसमेंट कर रहा था उसने बताया कि जब कपिल पाटिल साहब का नाम मंत्रिमंडल में आया तो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत जल्लोष किया। मैं बड़े नम्रता से कहूँगा कि सही मायने में मैं आज जो कुछ भी हूँ वो आप लोगों के वजह से हूँ। आप लोगों ने 2014 में जो मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे जो आशीर्वाद दिया, मुझे MP बनाया, काम करने का मौका दिया, वो काम को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने मुझे आशीर्वाद देके मंत्री बनाया। भिवंडी में भारतीय जनता पार्टी को एक नंबर बनाना है तो भिवंडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मेयर हमको बनाना है। हम सब पूरी ताकत से आप लोगों के पीछे खड़े रहेंगे, पूरी ताकत देंगे। आप अपना काम करिए, विकास का काम हमारे ऊपर छोड़ दे। विकास का काम 100% करने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। आज तक जो हमने काम किया है वो किसी ने नहीं किया। भिवंडी में मेट्रो का काम चल रहा है, कॉन्क्रीट का काम है, वो सब हम लोगों ने किया है। भिवंडी का अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम का काम हम लोगों ने किया है। फ्लाईओवर का काम हमारे पार्टी के माध्यम से देवेंद्र जी ने किया है। जितना भी काम यहाँ पे हुआ है देवेंद्र जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने, महेश चौगुले और कपिल पाटिल के सिफारिश से देवेंद्र जी ने किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की इस शेयर को दे रहे हैं, इसीलिए आप सभी को जहाँ जहाँ हमारे साथियों को ये बताना पड़ेगा कि अगर भिवंडी में विकास चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को भिवंडी में लाना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि भिवंडी राजू गांधी जी को हम सभी की तरफ से मैं शुभकामनाएं।